अगली बड़ी खबर का, जहां एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव का आगाज हो चुका है, पीएम मोदी रण को साधने के लिए पहुंचे, वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी चुनाव होना है और झारखंड के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली करने पहुंचेंगे, इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। राजनाथ सिंह खूंटी चतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं अमित शाह पलामू हजारीबाग और पोटका में रैली करने पहुंचेंगे। तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी बिगुल बज चुका है, राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी खासतौर पर यहां पर बेहद एक्टिव नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां महाराष्ट्र का रण संभालते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं झारखंड चुनाव के लिए भी तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत रोकना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली करने पहुंचेंगे, इसके अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह भी झारखंड को साधने की भरसक कोशिश करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी आज के कार्यक्रम की और इस दौरान जनता कितना बीजेपी के पक्ष में जाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए लाइव। प्रदीप जी, महाराष्ट्र का चुनावी रण संभालने के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में है, वहीं झारखंड का जिक्र करें तो तमाम राजनीतिक दल जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी ताकत झोंक रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, अलग अलग जगहों के लिए घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, चुनाव से पहले तमाम वादे जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनावी हकीकत की अगर हम बात करें तो जितनी जगह विधानसभा चुनाव हुए हैं सभी जगहों के लिए घोषणा पत्र जारी किए गए, संकल्प पत्र जारी किए गए, मैनिफेस्टो जारी किया गया, घोषणाएं तमाम की गई, वादे तमाम किए गए, लेकिन कितने वादों को पूरा किया जाएगा। झारखंड का जिक्र करें तो जेएमएम का इतिहास कुछ बहुत ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला, हाल फिलहाल बड़े उतार चढ़ाव जेएमएम में देखने को मिले, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कोशिश यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जनसभा करने पहुंच रहे हैं, चुनावी रैली करने राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में झारखंड में कितना माहौल बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, झारखंड का चुनावी मुकाबला दो चरणों का चुनावी मुकाबला और पहले चरण का मुकाबला 13 नवंबर को होना है और उससे पहले चुनावी रण में लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी ताल ठोक रहे हैं और इस कड़ी में आज जो शीर्ष बीजेपी के तीन नेता हैं वो आज चुनावी रण में नजर आएंगे, एक साथ अलग अलग चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह वो चुनावी रैली करने वाले हैं झारखंड में, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो चुनावी रैली करेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, बैठकें करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड के चुनावी रण में गरजते नजर आएंगे, सुरक्षा अन्य मुद्दों को लेकर वो हमला जोरदार तरीके से बोलेंगे ये कहा जा रहा है। तो अगर देखें चुनावी रैली और जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र को विधानसभा को फोकस करते हुए सिर्फ बीजेपी नेता आज चुनावी रैली करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर झारखंड के चुनावी मुकाबले को एक बेहतर उम्मीद के साथ वापसी के तौर पर बीजेपी देख रही है। इसलिए जेएमएम के जुड़े मामलों, करप्शन के मुद्दों को लेकर काफी आक्रामक बीजेपी नेता दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी जो रैली की थी उसमें उन्होंने निशाने पर रखा था। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे, आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मुद्दा या फिर अन्य जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी अनदेखी की गई और जो जेएमएम गठबंधन की सरकार वो हर मोर्चे पर फ्लॉप हुई है ये आरोप लगाते हुए बीजेपी लगातार हमला करती नजर आई है। तो संकल्प पत्र के जरिए भी बड़े चुनावी वादे किए गए हैं। ऐसे में झारखंड के चुनावी रण में निश्चित तौर पर एक बड़े मुकाबले का दिन है जब बीजेपी के शीर्ष तीन नेता एक साथ अलग अलग जगह चुनावी रैली करते नजर आएंगे, भाषण देते नजर आएंगे और इसके जरिए जनता को साधने की कोशिश करेंगे। तो झारखंड के चुनावी रण में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है और निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रैली की बात करें या फिर जेपी नड्डा की रैली की बात करें तो उनके भाषण पर तो तमाम नजरें रहने वाली हैं। वो क्या लुभाते हैं जनता से, क्या वादे वो करते हैं और उस पर क्या पलटवार होते हैं विपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष के जो नेता वहां पर सत्ता में है क्योंकि विरोधी दल जिस तरीके से हमलावर है, तो ये तमाम वार पलटवार आज के दिन काफी अहम देखने को झारखंड की राजनीति में मिल सकते हैं। बिल्कुल, झारखंड की राजनीति के लिए एक अहम दिन आज साबित होने वाला है क्योंकि तीनों दिग्गज यहां चुनावी मैदान में जनता को साधने की कोशिश करेंगे। बने रहिए प्रदीप जी आप हमारे साथ लगातार ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम फिर लौटेंगे आपके पास।